दोस्तों कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है और दोस्तों सब लोगों को बस एक ही चीज का इंतजार है कि कब कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इसके अंदर तीन ट्रायल्स होते हैं। पहला, उसे लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है। दूसरे ट्रायल में उसे एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। और दोस्तों तीसरे ट्रायल में उसे वॉलंटियर्स के ऊपर ट्राई किया जाता है कि वो वैक्सीन मतलब कोरोना वायरस को हरा पा रही है या नहीं, और उसके बाद जाके तैयार होती है कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों इससे आज का टॉपिक तो आप हमारा समझ ही गए होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 कंट्रीज दैट आर ट्राइंग टू मेक द कोरोना वैक्सीन। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों 10 नंबर पे बारी आती है जर्मनी की। दोस्तों जर्मनी के सारे साइंटिस्ट कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और उनका अभी फर्स्ट ट्रायल चल रहा है। दोस्तों 9 नंबर पे बारी आती है कनाडा की। दोस्तों कनाडा के प्रेसिडेंट ने ये बात क्लेम की है कि उनके वहां पर क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल्स वो होते हैं जिसके अंदर वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है इंसानों में डालने से पहले, यानी इंसानों में यूज करने से पहले उस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है कि वो इंसानों में उनका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। दोस्तों 8 नंबर पे बारी आती है साउथ कोरिया की। दोस्तों वहां पे भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है और ये गवर्नमेंट ने 36.8 बिलियन वॉन वहां पे खर्च किए ताकि वो कोरोना वायरस से रिलेटेड रिसर्च कर सकें। दोस्तों इस कोरोना वायरस को बनाने की रेस में इजराइल भी शामिल हो चुका है और दोस्तों यहाँ के साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो कोरोना वायरस का एक टीका बना चुके हैं जो कोरोना वायरस को हरा सकता है, लेकिन अभी भी इसके मार्केट में आने में बहुत टाइम बाकी है और यही सबसे खराब बात है। दोस्तों 6 नंबर पे बारी आती है इटली की और दोस्तों इटली के साइंटिस्ट भी यही क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और दोस्तों इसकी टेस्टिंग उन्होंने एक चूहे पे की थी और जिसमें उनको सफलता प्राप्त हुई और उसके बाद दोस्तों उन्होंने उसे ट्राई किया ह्यूमन सेल्स के ऊपर, जिसके बाद ह्यूमन सेल्स को भी उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। दोस्तों 5 नंबर पे बारी आती है ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के सारे साइंटिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गए एनिमल्स के ऊपर और जैसे ही उन्हें उसमें सफलता मिलेगी वैसे ही वो लोग ह्यूमन पे भी उसका ट्रायल स्टार्ट करेंगे। दोस्तों 4 नंबर पे बारी आती है चाइना की। दोस्तों चाइना वही कंट्री है जहाँ पे सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया था। दोस्तों चाइना में भी अब कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है और इन्होंने मंकीज के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किया था स्टार्ट और जिनमें इनको सक्सेस मिल चुकी है और दोस्तों अब ये लोग ह्यूमंस के ऊपर भी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों 3 नंबर पे बारी आती है यूनाइटेड किंगडम्स की और दोस्तों इन्होंने ये क्लेम किया है कि ये लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन किसी ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर चुके हैं और दोस्तों इससे उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। और दोस्तों साइंटिस्ट की ट्रायल में उन्हें ये पता चला है कि जो भी इस वैक्सीन को अपने अंदर इंजेक्ट कराएगा उसे कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। दोस्तों 2nd नंबर पे बारी आती है यूएसए की और दोस्तों यूएसए ये क्लेम कर रहा है कि उनने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और इसका प्रयोग कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर भी किया गया है और जिससे वो वैक्सीन उन लोगों की बॉडी में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कोरोना वायरस के खिलाफ उनके लिए लड़ती है। दोस्तों 1st नंबर पे बारी आती है हमारे देश इंडिया की। दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस COVID-19 की वजह से आज हमारा पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है और दोस्तों लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है और इसी के साथ साथ हमारे देश में कोरोना वैक्सीन भी बन रही है और दोस्तों हमारे पूरे देश के सारे साइंटिस्ट बस एक वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों वैक्सीन का काम बहुत अच्छा चल रहा है और दोस्तों हमारे देश में भी कोरोना वायरस का टीका बन चुका है, बस अब उसके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। जैसे ही टीका बन जाएगा वैसे ही हमें इस लॉकडाउन की स्थिति से छुटकारा मिलेगा दोस्तों और सब कुछ फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है और देखना मत भूलिएगा द टॉप 10 चैनल का नेक्स्ट वीडियो भी। और दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स में वीडियोस चाहिए, हम उन टॉपिक पे वीडियोस लाते रहेंगे।